हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह बनाए डार्क कॉर्ड्स एंड डार्क मेलोडी अपने हिप हॉप सॉन्ग के लिए, ट्रैप सॉन्ग के लिए, और जो आपके पास ड्रिल बीट है, मतलब इन तीन जॉनर के लिए किस तरह आप डार्क सी वाइब क्रिएट कर सकते हैं। तो बातें कम काम ज्यादा, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले रखा यहाँ पर FL की। आप कोई भी जो पियानो प्रीसेट है वो ले सकते हैं, गिटार ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ क्लियर करने वाला हूँ आपको जो डार्क कॉर्ड्स है वो किस तरह बनती है और मेलोडी उसके ऊपर किस तरह बना सकते हैं। बाकी आप उसके ऊपर अपनी मर्जी से जो आपके मन में है वो कर सकते हैं। तो ये मैंने FL कीज ले रखा है, यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, प्रीसेट पे डार्क पियानो चूज करा और F7 पियानो रोल पे मैं आ गया हूँ। जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है टेम्पो। टेम्पो आप अपने हिसाब से रख सकते हो, 140, 130 या फिर 80, 90, 100। तो आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कॉर्ड्स और मेलोडी किस तरह क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा डार्क वाली वाइब किस तरह क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट चीज स्केल में जाना है, व्यू स्केल हाईलाइटिंग, कोई भी यहाँ से माइनर स्केल आप चूज कर सकते हो। मैं चूज करता हूँ F नेचुरल माइनर। जो डार्क और इमोशनल और सैड वाली वाइब देनी है आपने हमेशा माइनर कॉर्ड का यूज करना है। और मैक्सिमम टाइम जो ट्रैप ड्रिल हिप हॉप होता है उसमें जो R&B भी होता है, किसी जॉनर की भी आप डार्क वाली वाइब किस तरह क्रिएट कर सकते हो वो बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो F शुरू करेंगे F से। तो पहली कॉर्ड बनाते हैं, सबसे पहली कॉर्ड बनाएंगे F से शुरू करेंगे, सिंपल F माइनर, जिसको फॉर्मूला पता नहीं है, पहली रखी, स्किप नोट, स्किप नोट, ठीक है पहली कॉर्ड और दूसरी कॉर्ड। ठीक है, जो पहली कॉर्ड होती है वो होती है जो मेन कॉर्ड होती है, रूट नोट रख सकते हो, दूसरी ले सकते हो आप सेकंड नोट होता जो, ठीक है, ये डार्कर वाइब क्रिएट करता है। फर्स्ट कॉर्ड और इसकी दूसरी कॉर्ड जो आती है वो आती है डिमिनिश्ड कॉर्ड, ठीक है, इस तरह की साउंड करेगी। ठीक है, इस तरह की साउंड करती है डिमिनिश्ड कॉर्ड, पहली कॉर्ड और दूसरी कॉर्ड इस तरह ले सकते हो। तो इसके अंदर अब मेलोडी बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, ये होगी, ठीक है, इसके अंदर आप मेलोडी किस तरह से बना सकते हो। ठीक है, पहले तो आपने बेस नोट कॉपी करने हैं और इसको पटक देना नीचे वाले ऑक्टेव पे, तो थोड़ा सा डार्क वाली फील देने के लिए। सिंपल सी कॉर्ड है, दो कॉर्ड का यूज करना, ठीक है, तीन प्रकार की कॉर्ड आपको बताऊंगा। तो इसके ऊपर आप मेलोडी किसी भी तरीके से राइट कर सकते हो। ठीक है, तो मेलोडी जो राइट करने का फॉर्मूला है वो आपको बताऊं मैं, या फिर आप वॉइसिंग कर सकते हो उसमें। ठीक है, वॉइसिंग एक भूल गया मैं आपको बताना, मिडल वाला नोट है उसको आपने क्या करना है, इस तरह से ऊपर वाले ऑक्टेव पे ले जाना है और ज्यादा ये मतलब वाइड सा साउंड क्रिएट करेगी। और थोड़ा सा नीचे ले जा सकते हो उसको और, ताकि ये सॉरी कंट्रोल ए एक ऑक्टेव मतलब डाउन ले जाते इसको। ठीक है, एक पूरा ही ऑक्टेव। ठीक है, इस तरह से आपने कर देना। अब नेक्स्ट चीज आती है, अब इसके अंदर मेलोडी किस तरह राइट करनी है आपने। ठीक है, मेलोडी आप राइट कर सकते हो इसके अंदर, वो है सिंपल सा फॉर्मूला, जो भी क्लोजेस्ट नोट है, चिपके हुए नोट है, उसको आपने इसके अंदर राइट करना है। ठीक है, यहां पर देखो जो एक क्लोजेस्ट नोट है आपस में इस तरह से चिपके हुए है, इसको आपने लेना है कहीं कहीं एक दो जगह, इसको आपने प्लेस कर लेना इसी नोट के आसपास। ठीक है, जैसे यहां पर और यहां नोट रखा, आप लोग को लग रहा है यहां भी नोट चाहिए, तो आप यहां पर जो क्लोजेस्ट नोट है वहां पर रख सकते हो, जैसे नीचे वाले नोट में यहां पे। ठीक है, इस तरह से क्लोजेस्ट नोट के आसपास रखना आपने। ठीक है, और यहां पर अब मैं देखो जहां जहां मेरे पास क्लोजेस्ट नोट है इसे चिपके हुए हैं वहां इसकी मैं इस तरह से रखूंगा। ठीक है, देखो किस तरह की वो टेंशन क्रिएट करता और वाइब क्रिएट करता। ठीक है, मतलब सुन सुन के रखना आपने। ठीक है, यहां रखते हैं जरा क्या वाइब देता है, और ऊपर वाला रखता हूं यहां पे। यहां रखते हैं कहीं भी, मतलब क्लोजेस्ट नोट रखना आपने। ठीक है, यहां पे यहां भी जा सकते हो।
देखो इस तरह से, किस तरह से डार्क वाला फील इसने क्रिएट कर दिया, तो इस तरह से आप डार्क वाला फील क्रिएट कर सकते हो। या फिर आप कंट्रोल ए, एक ऑक्टेव इसको थोड़ा सा नीचे ले जाता हूं मैं, ठीक है, कंट्रोल डाउन करूंगा मैं थोड़ा सा, और ज्यादा वो बेस वाली साउंड इसमें आई। तो यहां पर वेलोसिटी के साथ खेल सकते हो, जिस हिसाब ने आपने रखनी है उस हिसाब से आपका इसका फील दे सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा डार्क वाली फील क्रिएट कर रहा है, ठीक है। या फिर इसको ऑल्ट एस करके थोड़ा सा स्ट्रम भी कर सकते हो, आप यहां पे पैटर्न इस तरह ड्रैग कर सकते हो, और इसको कंट्रोल ऑल्ट सी, और इस तरह वेवफॉर्म में रेंडर कर सकते हो। और यहां से इसकी जो स्केल है वो चेंज कर सकते हो, कहीं भी ले सकते हो कोई भी। और थोड़ा सा वाइड सा फील देने के लिए आप क्या कर सकते हो, सेकंड हर टाइम आपने इस तरह करना, पीछे फील देने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको यहां से रिप्लेस करके यहाँ पे कुछ पैड का साउंड ले सकते हो, ठीक है, या स्ट्रिंग का साउंड ले सकते हो या फिर पैड का साउंड ले सकते हो, मतलब जो एटमोस्फेयर क्रिएट करे। तो यहां पे मैं जाता हूं पैड्स में और यहां से लेता हूं पैड की एक साउंड, और तो देखो किस तरह से एक जो फील है इसने क्रिएट किया। बस इसमें क्या करना, आपने जो ये मेलेडी है इसको हटा देना है, या फिर आप रख भी सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको थोड़ा सा ऊपर वाले ऑक्टेव पे ले जाएंगे, तो देखो इस तरह इसने कर दिया। तो आपने क्या करना है, वापस इसको भी आपस में रेंडर कर देना है, ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट सी एंड रेंडर, ठीक है। अब पहली मेलोडी थी जो वापस वहीं पे रख लेंगे हम जहां थी इसकी स्केल, दूसरे वाली जो ये हमने पैड बनाए, तो अब सुनते हैं दोनों को इकट्ठा किस तरह साउंड कर रहे हैं। ठीक है, इसकी साउंड थोड़ी ज्यादा, आप साउंड इसके साथ मैच कर सकते हो, ठीक है। अब देखो पीछे एक डार्क सी वाइब आ गई, आप इसको पूरा डाउन भी ले सकते हो और ज्यादा डार्क बनाने के लिए, ठीक है। अब आप इसको आपस में भी एक कंट्रोल ऑल्ट सी, इन दोनों को आपस में इस तरह से मर्ज कर सकते हो, ठीक है, और बाकी को हटा दिया। अब सुनो, तो देखो किस तरह से एक डार्क वाली वाइब इसने क्रिएट कर दिया आपके पास। तो इसके नीचे आप कोई भी जो है ड्रिल बना सकते हो, हिप हॉप बना सकते हो, जो आपका मन करे वो बना सकते हो। चलो मैं इस तरह यहां पे जाता हूं ड्रम लूप में, तो यहां देखो आप कुछ भी इसके नीचे बना सकते हो। 140 टेम्पो है, देखो एक के बाद एक मैं यहां पर अलग अलग आपके पास लूप दूंगा, और उसके नीचे देखो आप किस तरह से मेलोडी सेट होती है। सिंपल हिप हॉप पैटर्न, ड्रिली वाली वाइब, इसके नीचे ड्रिल वाला जो है ड्रम, उसको रखते जरा किस तरह से साउंड करता है। तो इसकी जो वो है क्या वो उसका नाम, वो स्केल आप यहां से चेंज कर सकते हो। मिक्सर पे अब इसकी मिक्सिंग करते हैं, आपको पता ही ग्रॉस बीट ले सकते हो आप, या फिर हाफ टाइम ले सकते हो, ठीक है, मैं हाफ टाइम लूंगा। अब देखो किस तरह से डार्क वाली फील यहां पर आती है। तो इस तरह आप जो डार्क वाली फील है वो वाइब इसमें क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही आसान है। मैंने जैसे बताया आपको, जो भी आपके पास नोट है पहले आपने कॉर्ड बना देनी है, ठीक है, उसके जो ये क्लोजर वाले नोट है, ज्यादा ही डार्क आपने बनाना है तो क्लोजर वाले नोट पे इसकी जो मेलोडी है एक एक नोट वहां पर प्रेस करके मतलब प्लेस करके, और इस तरह से वेरिएशन दे सकते हो, ठीक है, कुछ भी आप दे सकते हो। और नेक्स्ट चीज आती है साउंड सिलेक्शन, लास्ट में देखो साउंड सिलेक्शन, जैसे मैंने पियानो लिया था, पियानो की जगह यहां पर पैड भी अच्छा साउंड कर रहा है देखो। और यहां से रिप्लेस अगर मैं करूं, कोई भी यहां से कुछ भी ले लूं, ये देखो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
ठीक है, इस तरह से आपने स्विच करनी है अलग अलग, जो इस तरह से अलग अलग प्रीसेट स्विच करने, जो अच्छा बैठता वो रखना, ठीक है। तो देखा, प्रीसेट साउंड सिलेक्शन भी यहां पर मायने रखता है। जैसे स्केल चेंज करी मैंने, वैसे जो प्रीसेट है वो भी आपने चेंज करनी है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरह से बनती है डार्क मेलेडी, ठीक है। आप इसके बाद इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं किस तरह से बना सकते हैं डार्क मेलेडी और बहुत ही ज्यादा डार्क वाली वाइब दे सकते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना, जो भी क्लोजर नोट है पहले आपने कॉर्ड बनानी है, जिस तरह मैंने बोला ये वाली कॉर्ड बनानी है आपने, फर्स्ट और सेकंड वाली कॉर्ड यूज करनी है इसमें, फर्स्ट कॉर्ड और सेकंड कॉर्ड, ठीक है। तो उसके ऊपर इस तरह से जो क्लोजर नोट है वहां एक एक नोट रख के आपने चेक करना है किस तरह का साउंड कर रहा है, जो अच्छा साउंड करे वहां प्लेस करना है, बस इतनी सी बात है। और बाकी स्केल स्विच करनी है और उसके बाद स्विच करना आपने जो प्रीसेट है जो भी आपने लिया है, फिर उसके बाद मचा दो। फिर अगर इस वीडियो से कुछ भी सीख के जा रहे हो तो लाइक कर दो यार, और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ जो सीखना चाहते हैं म्यूजिक प्रोडक्शन, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है। कमेंट तो जरूर ही करना यार, मोटिवेशन दो गुना हो जाती है जो आजकल आप प्यार दिखा रहे हो, तौबा तौबा मजा ही आ जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।